तो आज हम आ गए हैं मायापुरी के फेमस छोले कुलचे वाले के पास, और इन्होंने छोले कुलचे बनाने का ट्रेंड ही चेंज कर रखा है, और इनका दावा है कि अगर एक बार इनका छोले कुलचे टेस्ट कर लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ इतनी लगी हुई है ना लोग, ये देखो पूरी भीड़, पहले रेडी के आगे भीड़ लगी हुई है और साइड में भी देखो कितनी भीड़ है, लोग वेट कर रहे हैं। गाइस देखो तो फ्रेग्रेंस अच्छी है, और ये कुलचे का कुलचे डाल दिए, और ये बंडल, दो बंडल, ओ भाई दो बंडल, ये अब तीसरा बंडल भी आने वाला है, ओ भाई अब चौथा आ गया, अब पांचवा आ गया, वो छठा, ओ भाई साहब तो पहाड़ बना दिया उन्होंने पूरा उसका, ये तो बंडल का पहाड़ बनाया जा रहा है। और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये बंडल बना के साइड में रख क्या रहे, ओ भाई साइड में क्यों रख रहे हैं भाई चमोली, मुझे लग रहा है इसको डुबाएंगे पूरा इसमें, और बटर में जो छोले बनाए थे ना, अब बटर में कुलचे को ही भिगा देंगे ये। तो फाइनली मोस्ट फेमस छोले कुलचे वाले की प्लेटिंग हमारी लग चुकी है, और ये देखो कुलचा गाइस, ये देखो कुलचा, और साथ में ये देखो छोले, ये टेम्पटिंग से छोले हैं, प्लस साथ में फ्राइड अनियन भी दिए हैं इन्होंने, देख रहे हो, अब देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, प्लस साथ में भीड़ देखो उधर, ये देखो लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का, और ये वेट आधा घंटा एक घंटा इतना चलता है, इतने फेमस है यहाँ पे ये। और यहाँ पे जो ओपन का टाइमिंग है इनकी 12 बजे से लेके 6 बजे तक, 12 बजे से पहले ना लोगों की ना यहाँ लाइन लग जाती है कि वो छोले कुलचों के लिए, मतलब दुकान खुलने से पहले लोग यहाँ पे आए खड़े हो जाते हैं। तो आप बनाते हैं प्यारी सी बाइट और टेस्ट करके बताते हैं कैसा इनका टेस्ट है। तो भाई ये कुलचे लिए, साथ में छोले और थोड़े से फ्राइड अनियन, ये एक बाइट बनाइए, ये देखो आप, ये भाई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट। और जैसा कि आप लोगों ने मेकिंग की वीडियो देखी थी, इन्होंने सच में ना छोले कुलचे बनाने का जो ट्रेंड है ना वो बिल्कुल ही उसको बदल दिया है, कि जैसे हम नॉर्मली दिल्ली वाले छोले कुलचे खाते हैं और बनते हुए देखते हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रहे हैं और सर्व कर रहे हैं यहाँ पे भाई। मतलब आपने स्टार्टिंग में देखा बटर कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, अनियन कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं, टमाटो डाल रहे हैं, मतलब हर चीज इतनी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में, और एक साथ कम से कम 100 से 150 कुलचे की मेकिंग करते हैं, और वो 5 से 10 मिनट में खत्म भी हो जाते हैं। बिल्कुल भाई सही, स्वाद तो है बिल्कुल सही काम, और जिसकी वजह से ना जो ये क्वांटिटी में जो ये सब चीजें डाल रहे हैं टेस्ट ना इनहेंस होता है उससे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, सही बात है। साथ ही साथ ना अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ना यहाँ पे एक बार ना लाके उनको यहाँ पे आके टेस्ट करना तो बनता है। और आपने स्टार्टिंग में जो इंट्रो में देखा, ये कहते हैं कि अगर इनके छोले कुलचे आप एक बार टेस्ट कर लोगे ना तो बार बार यही आओगे खाने को, समझ में तो आ गया जो मुझे। बिल्कुल, अब तो हम भी आएंगे यहाँ बार बार, और आप भी एक बार आओ और उसके बाद फिर आप भी बार बार आओ। सही बात है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा, और मैं दावा करता हूँ कि इससे अच्छे छोले कुलचे हमने कहीं खाए नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, और इनके बारे में आप किसी से पूछोगे ना बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि मायापुरी के फेमस छोले कुलचे कहाँ मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की लोकेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। नाउ गाइस बाय बाय।